इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, जहां पर पूर्व मंत्री यागवेंद्र सिंह बुंदेला के यहां पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। और यह किसी और पुलिस ने नहीं बल्कि असम की पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी, साथ ही कोतवाली पुलिस का सहयोग लेते हुए पुलिस की 4 सदस्यीय टीम ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई करते हुए यागवेंद्र सिंह बुंदेला जो पूर्व मंत्री हैं उनके घर को छावनी बना दिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पे भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। इसके अलावा लोगों की भी भीड़ देखी जा रही है, जहां पर पूर्व मंत्री यागवेंद्र सिंह बुंदेला के यहां पर छापामार कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे पूछताछ भी की जा रही है। बंद कमरे में यहाँ पे पूछताछ हो रही है, घर के अन्य सदस्यों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार असम कोर्ट द्वारा यहाँ पे पुलिस को भेजा गया है और कोर्ट का आदेश होने के बाद यह पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है, जिसमें फंड को लेकर पूरी जाँच की जा रही है। ऐसा पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि फंड को लेकर यहाँ पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ लगातार जारी है। इसकी तस्वीरें वरदान एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पुलिस द्वारा यहां पे पूछताछ की जा रही है और असम की पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी, 4 सदस्यीय टीम द्वारा यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा टीकमगढ़ की सिटी कोतवाली पुलिस का भी सहयोग लिया गया है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि जांच चल रही है और जांच के उपरांत जो भी तत्व सामने आएंगे वह मीडिया तक पहुंचाए जाएंगे। फिलहाल पुलिस का क्या कहना है जरा इसको सुनिए। क्या 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 मामला है? तो अब ये सारी चीजें जब इनपुट दिया होगा ना आपको असम पुलिस से, जब आई न्यायालय किस कहाँ है, न्यायालय का टीकमगढ़ न्यायालय का है असम न्यायालय का? तो आपके पास कुछ वहाँ से आया पहले आया था क्या ये लोग लेके आए? डॉक्यूमेंटेशन आया है पहले आया था क्या ये लोग लेके आए? पहले भी और डॉक्यूमेंटेशन लेके भी आए। अभी कितने लोगों की टीम आई है? अभी 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। उसमें कोई गिरफ्तारी बारे में नहीं, ऐसा कोई नहीं, पूछताछ के लिए है, सारी चीज़ें से जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें कुछ पता नहीं क्या मामला है क्या पूरा? नहीं, कोई फ्रॉड से रिलेटेड कोई मामला है और ऐसा कोई नहीं, फूड से बहुत पुराना पुराने उसमें चला है। यादव सिंह आरोपी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। काय का फ्रॉड किससे संबंधित है? वो इन्वेस्टिगेशन टीम आपको, आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको सब बता दें। ठीक है, थैंक। बताया जा रहा है कि असम कोर्ट द्वारा आदेश जारी हुआ है धोखाधड़ी के मामले को लेकर पूछताछ करने के लिए पुलिस को भेजा गया है, जो असम की पुलिस यहां पर आई हुई है और अभी तक कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन यह जरूर बताया गया है कि असम कोर्ट के द्वारा यहां पे पुलिस को भेजा गया है, जो पूरे मामले की जाँच कर रही है। वरदान एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।